कितना ब्याली, आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है, पत्थरों पे चलता हुआ कांच का बदन लेकर, किरचियां बिखरने में देर कितनी लगती है, देर कितनी लगती है, है दुआ यही मेरी, बददुआ से बच जाओ, आह सर्द भरने में देर कितनी लगती है। ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शान सुखन, इसका एक शेर खूबसूरत अता हो, अता हो, अता हो, अता अब हो। मैं नहीं जानता इसी गजल क्या है, लेकिन के जब यकीन की बाहों पर हाँ शक के पांव पड़ जाएं, वाह वाह चूड़ियां बिखरने में वाह वाह देर कितनी लगती है। जी क्या कहने, सुभान अल्लाह जबरदस्त। तो अपने 75 साल मुकम्मल किए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और अपना सफर पाकिस्तान की तरक्की के साथ मुंसलिक करता है नेशनल बैंक और पाकिस्तान। और ऑफ कोर्स इकरार भाई हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहिबा हमारे साथ हैं, और हमारी टीम्स हैं जो आज के जो विनर्स होंगे उनके लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोनों टीम मेंबर्स के लिए LEDs के तहाइफ हैं, और ऑफ कोर्स जो जीतेंगे वो अगले राउंड में पहुंचेंगे, लैपटॉप का इनाम है आगे के विनर्स के लिए। सो जनाब वसीम नातिक साहब हैं हमारे साथ, और अब्दुलरहमान साहब हैं गोमल यूनिवर्सिटी से, खुश आमदेद, और अब्दुल्ला हैदर साहब हैं, और मोहम्मद अहमद साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। हम आपको अंदाजन तो बता देंगे, लेकिन कम उमेश आप समझिए कि 4 से 5 मिनट तक आपने अशार पढ़ने, ताकि फिर हम वो 5 वो इनकॉर्पोरेट भी कर सकें ना जी। लेकिन आगाज से पहले गुजारिश कि कल एक सानेहा हुआ, सानेहा हाँ, क्योंकि जाहिर है जो मुझे लगता है जो अदब परवर लोग हैं उनको 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 बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए, जब आप टेलीविजन पे हैं तो और ज़्यादा एहतियात की जानी चाहिए कि जानबूझकर दानिस्तन आप कोई चोरी ना करें। यानी कल वो जो एक शेर था जो सुराग और सुराख वाले मामले पर, तो फिर बाद जाहिर है उस वक्त एक तो एक बहुत सारे अशार आपके जहन में उस वक्त नहीं आ रहे होते, और ये भी मौका नहीं होता कि आप बैठ के तख्ती कर रहे हो और देख रहे हो कि कौन सी बहर में और वजन में है या नहीं है, तो हम बहुत रिलाय कर रहे होते हैं दयानतदारी पर लोगों की। तो वो जानबूझ कर गलत शेर पढ़ा गया सुराख को सुराख से तब्दील करके, और वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, तो और वो जाहिर उस तरह से जीत भी गए, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम उनको डिसक्वालीफाई करते हैं इस पूरे अमल से, अमल से। और क्योंकि उस वक्त कुछ शक का इजहार किया भी था आपने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ करके उसमें वो कर दिया, और उन्होंने मिसरा बदल दिया, हालांकि हमें उस वक्त आवाज नहीं आई थी, तो आप वाजे कर रहे थे कि सुराख बोल रहे हैं, तो उन्होंने फौरन कहा नहीं सुराख मिल गए, तो वो उन्होंने उसको मैनिपुलेट। बहरहाल ये कि जाहिर है चूंकि हमने सारे दीवान हिफ्ज नहीं किए हुए, और ना ही ये मौका होता कि हम हर चीज की बहर को जहाँ जांच रहे हो बहर, और फिर आवाज के और बेशुमार तकनीकी मसाइल भी होते हैं, तो बहुत सारा जो इन्हिसार है वो टीम्स की दयानतदारी पर भी होता है, तो कल उन्होंने बददियानती का मुजाहरा किया शहनाज नूर साहिबा के, आज उनकी बरसी भी है, तो उनको याद कर लेते हैं कि किसी से हाथ किसी से नजर मिलाते हुए, किसी से हाथ किसी से नजर मिलाते हुए मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ निभाते हुए, अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, अच्छा अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, कि रास्तों से गुजरती हूँ गुनगुनाते हुए। वाह वाह वाह, खामोशी और गुनगुनाने क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, क्या कहने। जनाब बिस्मिल्लाह कीजिए, ये जी में बिस्मिल्लाह, ये एक लफ्ज बहन के लिए मसीहा था, हुसैन नेजे पे कहते थे मरहबा ज़ैनब, ज़ैनब बे सलामुल्लाह अलैह, उस आंख से वहशत की तासीर उठा लाया, मैं जागते रहने की तदबीर उठा लाया, मैं नियते शब हूं से खेमे में गया, लेकिन दुश्मन के सरहाने से शमशीर उठा लाया, उठा लाया अलिफ, अलिफ। इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए, अच्छा। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए, नून जी, ना समातों में तपिश घुले ना नजर को वक्फे अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, वाह
जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर, उसे ख्वाब कर, कर रे रस्ता रफ्तार की मायूसी से अट जाता था, जब मैं चुपचाप उसे मिल के पलट जाता था, क्या कशिश थी कि मुझे छोड़ के जाने वाला, दो कदम चलता था फिर मुझसे लिपट जाता था। खून बहा में आई हुई लड़कियों खामोश, चुपचाप साथ अपने सितमगर के सो रहो। वाओ, वक्त की तेज हवा शोर तो डाले हुए है, सही एक दरीचा तेरी खुशबू को संभाले हुए है, एक साया है जो दीवार के दुख जानता है, एक दीवार है जो घर को संभाले हुए है, और दीवार जो घर भर को संभाले हुए है। जी ये टीम बी, ये जंग हार ना जाए सिपाह कैद में है, ये जंग हार ना जाए सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं शाह कैद में, शाह है कैद में है, तेरे हकूक की जमानत नहीं कोई अब, गरीबे शहर तेरा खैर हा कैद में, कैद है, में है, गरीबे शहर तेरा खैर खा कैद में। याद आ जाता है आशूर की उस रात का दुख, मुझसे देखा नहीं जाता कभी सादात का दुख, आपकी बेटी नहीं आप नहीं समझेंगे, खाली जाती हुई वापिस किसी बारात का दुख, का दुख। हे हमारे हाथ में कंकर था उसने फूल किया, अच्छा हजार शुक्र के उसने ये दिल कबूल किया। वाह, दो दो अशआर और सुनाएंगे फिर। कबूल किया अलिफ, अलिफ। एक दूजे की नींद के जामिन होते हैं, एक दूजे से ख्वाब बदलने वाले लोग, अपने घर तावान में देकर लौटेंगे, उसके घर की जानिब चलने वाले लोग, लोग जी का। गली में शोर था और चुप थे सारे दरवाजे, हमें पुकार रहे थे हमारे दरवाजे, हमारे सहन की दीवार पर खिले हुए फूल सजा के रख दिए हमने तुम्हारे दरवाजे, दरवाजे ये आखिरी सुना दीजिए जमीन जी। यूं रिहा करने के इम्कान में रखा हुआ है, उसने जिंदा हमें जिंदान में रखा हुआ है, दिल मेरा जख्म है और जख्म को मैंने ताबिश उसकी यादों के नमकदान में रखा हुआ है, रखा हुआ है जी। आखिरी शेर, हाँ ये सीले गिरिया वो बारे असिया को धो भी सकता है और नहीं भी, कोई कहीं छुपके जो रोना चाहे तो रो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ इरादे को जबर पर इख्तियार हासिल रहा तो इतना, कोई किसी का जो होना चाहे तो हो भी सकता है और नहीं भी। ओके जना जी, बस ये अच्छा है मेरे ख्याल में फॉर्मेट यूं ही यही शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि कुछ अच्छे शेर सुनने को मिले और फिर हम मुकाबला जो है वो अल्फाज के और तैयारी में बैटबाजी में दो अंदाज हो जाए, हो जाए ता वक्त है कि कोई टीम ऑब्वियसली पॉइंट से माइनस हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब आप तैयारी कर लीजिए और बस अगेन इंतबाह यही कि दयानतदारी से खेलिए, जीतने से ज़्यादा अहम यह है कि आप बाइज्जत तौर पर यहाँ से रवाना हों। जनाब पहला लफ्ज़ है दिखाता भी और पुकारता भी हूँ ताकि आप बता सकें, एक बार कोशिश करूँगा इस तरफ से पहले दिखा दूँ ताकि इम्कान ना रहे। तो पहला लफ्ज़ है वहम, वहम कुछ भी कह लीजिए जी। ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी ना था, चराग सामने वाले मकान में भी ना था। जनाब एक पॉइंट ठीक है, 1-0 पांच दिखाई देंगे है ना, पांच दिखाई जाएंगे, ये हो गया पहला पॉइंट। तालियां बजा दे यार, तालियां बजा दे ना, क्या बात है। हाँ जी, चराग सामने वाले मकान में भी ना था। लफ्ज है मदारी, मदारी बहुत मुश्किल है जी। हाँ जी मदारी, फिर कोई शेर सुनाइए। तलब मदारी जमूरा ये दिल तमाशा में, आपके तो अदनान मोहसिन गवर्नमेंट कॉलेज के ही शायर हैं जिन्होंने ये कहा था, तलब मदारी जमूरा ये दिल तमाशा मैं, मगर ये बात भी सच है नज़र का धोखा हूँ मैं, हस्तो नीस्त की इस बहस में नहीं पड़ता, नहीं हूँ मैं तो नहीं हूँ, जो हूँ तो उसका हूँ। जनाब
वाह वाह। लफ्ज है रंगत। मैं जी टीम बी बी ने दबाया लाइट नहीं बजी जी बी 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 जी, जी जी टीम बी। हया से कैसे बदलती है रंगत रुखसार, मैं उसको शेर सुनाता हूं और देखता हूं। जी दोबारा दोहरा दीजिएगा। मैं हया से कैसे बदलती है रंगत रुखसार, मैं उसको शेर सुनाता हूं और देखता हूं। बिल्कुल ठीक है, जिंदाबाद। एक एक पॉइंट हो गया जनाब। राइट ठीक है। लफ्ज है ठिकाना। बीजी बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना ठिकाना तो है नहीं। क्या बात है जनाब, दो एक हो गया, दो एक हो गया। और जो भी तीन पॉइंट पहले स्कोर कर लेगा। अच्छा इस तरह। हाँ हाँ जाहिर है, तो जाहिर जीत जाएगा। बी टीम जीतने गई। लफ्ज है पांच कर रहे हैं ना, हमने तीन किए, दो एक हो गए। एक काम करते हैं, लफ्ज बदलते हैं जरा। लफ्ज है दिल आवेज। दिल आवेज जी, सोच कर टीम ए टीम बी। दिल आवेज बोले ही सही, बोले तो सही बला, बोले तो सही झूठ ही बोले वो बला से, जालिम का लबो लहजा दिलावेज बहुत है। ठीक है जी, क्या बात है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। तीन एक से, तीन एक से, तीन एक सवाल चार की। लेकिन ओके सो यू, आज हमने कोशिश की कि कल इकरार में एक सजेशन थी कि हम तीन के बजाय पाँच इस तरह के क्या कह रहे, ताकि और ज़्यादा वाजे हो जाए सूरत हाल। तो हमने इसलिए आज कोशिश की, और जब जब मौका मिलेगा यही अपनाएंगे सिलसिला। बिल्कुल। तो जिससे ये वाजे हो गया कि आज की हमारी विनर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अब्दुल्ला हैदर और मोहम्मद अहमद। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत मुबारकबाद। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से LEDs के तोहफे हमारे आज की रनर अप टीम के लिए, जो किनका ताल्लुक है गोमल यूनिवर्सिटी से। आपने अच्छा खेला, लेकिन ज़ाहिर मुकाबला तो किसी एक टीम ने आगे जाना है। बहुत सारी तालियां में रुख्सत करेंगे दोनों टीम्स को। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।